हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद राबिया बेक। आज हम बनाएंगे लहसुनी पालक पनीर। तो चलिए देखते हैं कि हम लहसुनी पालक पनीर किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर हम ले लेंगे 250 ग्राम पनीर, जिसे मैंने इस तरीके से क्यूब में कट कर लिया है। आप चाहे तो रेक्टेंगुलर शेप में भी कट कर सकते हो। हमें इसे लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं करना है। ये देखिए, इस तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी ऑयल में जिसमें हमने पनीर फ्राई किया था, उसी ऑयल में दो प्याज हम ऐड कर लेंगे। दो प्याज डाल के इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज जैसी गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, इसमें आधा टेबल स्पून क्रश्ड अदरक लहसुन ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पर मैंने क्रश्ड अदरक लहसुन यूज़ किया है। अब इसमें जाएगा दो टमाटर, जिसे हमने इस तरीके से बारीक चॉप्ड कर लिया है। 6 से 7 हरी मिर्च, जिसे हमने स्लिट कर लिया है। ये आधा टेबल स्पून हम ऐड कर लेंगे गरम मसाला, ये होममेड गरम मसाला है। अब इसमें जाएगा 2 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये सब डाल के हम इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। और इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून पानी, जिससे मसाले की जो कंसिस्टेंसी है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इसे हमें अच्छे से कुक करना है जब तक टमाटो मैश नहीं हो जाते। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे चॉप्ड पालक। यहाँ पर मैंने 2 बंच पालक के ले लिए थे, आप चाहे तो 1 बंच भी ले सकते हो। यहाँ पर मैंने 2 बंच पालक के ले लिए थे, इसे वॉश कर चॉप्ड कर लिया है। और अब हम इस पर ऐड कर लेंगे नमक। आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए। इसमें जाएगा 1/2 से 1 गिलास पानी। पालक खुद ही पानी छोड़ता है, तो आप बहुत ज़्यादा पानी इसमें मत ऐड कीजिए। हम जो है पालक को अच्छे से कुक होने देंगे जब तक साइड से ऑयल रिलीज़ नहीं होता। पालक जैसी अच्छे से भून जाएगा, इसमें हम ऐड कर लेंगे फ्राइड पनीर के पीसेस। पनीर ऐड करके हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए स्लो आंच पे पकने देंगे। हमारा यहाँ पर पालक पनीर जो है बनकर रेडी है। ये अच्छे से कुक हो गया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। आप इसे बाउल या प्लेट किसी में भी निकाल सकते हो। ये बहुत ही इजी तरीका है लहसुनी पालक पनीर बनाने का। नॉर्मली हम जो है पालक को बॉईल करते हैं, ये आप डायरेक्टली बना सकते हो। अब हम जो है इसकी तड़के की तैयारी करते हैं। हम ऑयल ले लेंगे 1 टेबल स्पून, उसमें ऐड कर लेंगे लहसुन। यहाँ पर मैंने 10 से 12 लहसुन ले लिया था, जिसे मैंने इस तरीके से चॉप्ड कर लिया है। लहसुन को हमें इस तरीके से ब्राउन करना है, कच्चा नहीं रखना है। ब्राउन करने के बाद ऊपर से तड़का देना है पालक पनीर पे। ये बहुत ही उम्दा बनता है। आप इसे रोटी नान के साथ सर्व कीजिए और आप ये डिश ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे ट्यून्ड।